डाइट सिखाती आपको इतना खाना और Hey guys, welcome back to my channel, another video. So friends, ये SD makeup look है, waterproof makeup, and ये summer के लिए makeup है और ये within 24 hours चलेगा और मैं live proof करके भी आपको मैंने दिखाया है. तो video को full watch करिएगा, channel पे पहली बार है, subscribe, like, share ज़रूर कीजिएगा. समर का मेकअप करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है और वाटरप्रूफ मेकअप के लिए वो होता है आइसिंग. आप मेकअप से पहले आइसिंग ज़रूर करें एंड तभी मेकअप करना स्टार्ट करें. तो मैंने यहाँ आइसिंग कर ली थी पहले एंड उसके बाद मैं अपने हेयर्स को अच्छे से क्लच कर लूँगी इस तरह से. एंड मेरे को ये लगाना तो बिल्कुल सही नहीं लगता है, मैं नहीं लगाऊँगी इसको. एंड बालों को अच्छे से आप सिक्योर कर इसको अच्छे से. मैंने पहले फेस वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने आइसिंग कर लिया. और जो सबसे ज़्यादा मेन स्टेप होता है समर मेकअप में वो होता है आइसिंग. अगर आप आइसिंग करते हो तो मेकअप आपका बहुत ज़्यादा देर तक रुकने वाला है और मेकअप स्मज भी नहीं होगा. एंड अगर आप गर्मियों में मेकअप कर रहे हो या बारिश के सीज़न में कर रहे हो तो आपको आइसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है. उससे क्या होता है कि ओपन जो पोर्स वाली प्रॉब्लम होती है वो भी सही हो जाती है और अगर पफनेस है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि आपका मेकअप जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, स्किन के ऊपर अच्छे से इमर्ज करता है और मेकअप जो आपको होता है काफ़ी ज़्यादा हाई डेफिनेशन देता है. तो जो फर्स्ट स्टेप था, आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है, फेस वॉश कर लेना है. जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है आइसिंग करना. बर्फ लगाना बहुत ज़रूरी होता है. एंड थर्ड मैं यहाँ जो यूज़ कर रही हूँ, ये मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ डॉट इन का. अपने फेस को हम अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेंगे. सीजन कोई भी हो बट फेस को सीटीएम करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए हम अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे. और अगर आप दिन में कहीं शादी में जा रहे हो या आप कहीं गेट टुगेदर कर रहे हो तो आपको चाहिए कि आप मॉइस्चराइज़र के बाद आप सनस्क्रीन लोशन ज़रूर लगाएं. इससे जो होगा कि अगर आपका मेकअप काला भी नहीं पड़ेगा और जो भी यूवी रेंज होती है वो आपके फेस पे नहीं पड़ेगी और आपका मेकअप अच्छा रहेगा. एंड मैं यहाँ एमवे का यूज़ कर रही हूँ सनस्क्रीन. ये मैं डेली यूज़ में भी यूज़ करती हूँ. और बहुत लोगों का सवाल होता है कि जब वो मेकअप करने से पहले सनस्क्रीन सिर्फ लगा लेते हैं तो मेकअप काला पड़ जाता है. तो अगर आप मॉइस्चराइज़र लगा के जब आप ये लगाएंगे, सनस्क्रीन लोशन लगाएंगे, तो आपका मेकअप कभी भी काला नहीं पड़ने वाला है. तो ये चौथा स्टेप्स है. फोर्थ स्टेप्स है कि मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ और सनस्क्रीन मैं यहाँ लूँगी. इसको भी हम अच्छे से स्किन पे देख लिया. मैंने सनस्क्रीन लोशन कौन सा लगाया हुआ है, ये आप डेली यूज में भी यूज कर सकते हो. ये बेस्ट सनस्क्रीन लोशन है. अब तक का मेरा इसका रिव्यू सबसे अच्छा मुझे लगा था क्योंकि मैंने इसका फीडबैक बहुत अच्छे से दिया है. एंड उसके बाद में जो जैसे आप सेलिब्रिटी को देखते हो कि सेलिब्रिटी के फेस पे कितनी ज़्यादा लाइटिंग रहती है, कितना एसडी उनका मेकअप कितना ज़्यादा शाइन करता रहता है, तो उसके लिए वो क्या करती हैं कि वो NYB की जो क्रीम होती है, जो स्ट्रोक क्रीम होती है, वो यूज़ करती हैं. सब डिफरेंट ब्रांड की होती है. मैंने NYB का मंगाया हुआ है, ये मैंने पर्पल से मंगाया है एंड आप अमेजोन से भी मंगा सकते हो. सारी साइट्स पर ही अवेलेबल होता है और आपको इस कॉस्मेटिक स्टोर पर भी मिल जाएगी. तो आप इसकी शाइन मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा ये शाइन करता है और इसे कब यूज़ करना है. मेकअप करने से पहले यूज़ करना है, इसे बाद में यूज़ नहीं करना है. जब आप सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हो सीटीएम के, तो उसके बाद आप लगाते हो तो बहुत अच्छा रहेगा. आपके मेकअप में ये बहुत ज्यादा शाइन लाने वाला है. तो मैं इतना ले लूंगी एंड आप शाइन देखिएगा कितना अच्छा शाइन आता है इससे. फिंगर पे हम इतना लेंगे और डॉट डॉट करके आप इसे अच्छे से स्किन के ऊपर इसी तरह से आपको पूरे फेस पे अप्लाई करना है, जिससे आपका मेकअप काफ़ी ज़्यादा एसडी एंड शाइनी लगे. इस तरह आप शाइन फेस पे आ गया, कितना ज़्यादा ग्लो आ गया. एंड मैंने यहाँ जो यूज़ किया ये 24 कैरेट का ये है, बहुत बढ़िया ये रहता है.
मेरे फेस पे कोई भी दाग धब्बे नहीं है, डार्क सर्कल ज़्यादा नहीं है, तो मैं ज़्यादा चीज़ों का यूज़ नहीं करूँगी। तो डायरेक्ट मैं जो यूज़ करूँगी ये फाउंडेशन और कंसीलर मिक्स करके मैं करूँगी, पॉप का करूँगी और ये कलर एसेंस का, ये दोनों को मैं मिक्स करूँगी, मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। इस तरह से दोनों प्रोडक्ट को मैं ले लेती हूँ, लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। इस तरह से इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर विंटर का सीज़न है तो आप इसमें सीरम मिक्स कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इन दोनों को मिक्स करके लगाओगे तो काफ़ी ज़्यादा मैट लुक आएगा। और एक चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको और बताती हूँ कि जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करो तो इस तरह से पहले आप डिप करके रख दो उसे, तो इससे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट होता है वो आपके फेस में ही जाएगा, आपका स्किन में जाएगा। और अगर आप इसे ड्राई यूज़ करते हो तो सारा प्रोडक्ट यही अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या होता है कि मेकअप आपका अच्छा नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप ये टिप्स और ट्रिक्स ज़रूर याद रखिए, क्योंकि जब भी आप मेकअप करने लगो तो आप ये ब्लेंडर को पहले से भिगो कर रख दो एंड उसके बाद इसको एक्सक्यूज करके इसका पानी निकाल के तब आप इसे यूज़ करो, इसे अप्लाई करो। आप देख सकते हो एकदम जैसे बेस होता है, लाइक बेस की तरह ही ये यूज होगा। और बहुत ज़्यादा वेटेड भी नहीं लगेगा, इस जगह इस तरह से आप अप्लाई करते जाओ अपने फेस पे। सबसे ज़्यादा ब्लेंडिंग होती है कि आप ब्लेंडिंग किस तरह से कर रहे हो। फ्रेंड जितनी अच्छी आप ब्लेंडिंग करोगे उतना अच्छा मेकअप आपका आपके फेस पे अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ स्विच ब्यूटी का ये कंसीलर है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंसीलर है। आइस पे आप लगाइए तो आंखों को थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए एंड इसके बाद आप ब्लेंडर, तो आपके आंखों पे भी अच्छे से ये कंसीलर लग जाएगा। एक चीज़ और बताती हूँ, ये है कॉम्पैक्ट पाउडर, इसका क्या वर्क होता है, और ये है लूज पाउडर, इसका क्या वर्क होता है। फ्रेंड्स अगर मेकअप को आपको नॉर्मल करना है तो आप कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो डेली के लिए, क्योंकि डेली के लिए कोई वो नहीं है, बट अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए, अच्छा सा मैट फिनिश चाहिए तो आप लूज पाउडर ही यूज़ करो। बहुत सारे ब्रांड आते हैं जो भी आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। तो आज आप समझ गए होंगे कि कॉम्पैक्ट का क्या यूज़ होता है और लूज पाउडर का क्या होता है। तो मेरे को मेकअप थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो मैं लूज पाउडर से ही अपने मेकअप को सेट करूंगी, और ये मेकअप को सेट करने का ही काम करता है, चाहे ये करता हो चाहे ये करता हो, ये दोनों ही मेकअप को सेट करने का काम करता है। बट आपको अगर लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो आप लूज पाउडर यूज़ करो, और अगर आपको सिर्फ नॉर्मल चाहिए तो कॉम्पैक्ट के साथ जा सकते हो। तो मैं यहाँ लूज पाउडर यूज़ करूँगी। लूज पाउडर लेके मैं इसी से करूँगी, इस तरह से आपको सेट कर लेना ताकि आपके मेकअप केकी ना हो, कहीं फालतू मेकअप क्रैक ना हो और मेकअप में एक मैट फिनिश आए। तो यहाँ मैं अपनी आईब्रो को अच्छे से सेट कर लूँगी। इसे भी हम लूज पाउडर से अच्छे से सेट कर लेंगे। कंप्लीट होगा तो हम जो मेकअप फिक्सर होता है तो मैं दो बार अप्लाई करती हूँ, एक लाइक जब कंप्लीट हो जाता है मेरा बेस तब मैं अप्लाई करती हूँ, एंड जब मेकअप पूरा कंप्लीट होता है फाइनल होता है तब मैं करती हूँ। इससे क्या होता है आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा फिनिश दिखता है, बहुत ही ज़्यादा एसडी दिखता है। तो मैं इसको इसका यूज़ कर लूँगी। आपको जब भी आप इसका यूज़ करो तो अपनी आईज को इस तरह से क्लोज कर लो, लाइक दिस, और इसे सूखने दे, ड्राई होने दे, इससे आपका मेकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ब्लैक ड्रेस पहन रही हूँ तो मैं पहले क्या करूँगी, इस तरह से आप कोई भी शैडो या लाइनर ले लीजिए, इसे थोड़ा ड्राई होने दीजिए। हल्का सा जैसे ही ड्राई होगा
आप एक ये ले लीजिए ईयरबड्स, इसको इस तरह से आप लाइक दिस आपको करना क्या है, इस तरह से आप ब्लेंड कर लीजिए उसे। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, ये पिंक कलर पिक किया है, इसी शेड्स में से हम ये शेड लेंगे, हुड्डा ब्यूटी का है, आप आराम से ये पैलेट मंगा सकते हो लाइक दिस। इस तरह से हम फिर उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। करके हम लोअर लैशेस पे भी अप्लाई करेंगे। गोल्डन कलर ले लेंगे हम लाइट, और जो ये एरिया खाली होता है इस पे हम अप्लाई करेंगे इस तरह से। कंप्लीट हुआ है, अब मेला सब मेकअप कंप्लीट हो गया है, अब हम अपना करेंगे इस तरह से। अगर आप लिपस्टिक अप्लाई करके अपना मेकअप करते हो तो मेकअप बहुत ज़्यादा मैट रहने वाला है। ब्लेंड कर लेंगे। अजीब सा लग रहा होगा बट फिर उसके बाद मैं यहाँ ब्लश यूज करूंगी, ब्लश मैं ब्लेंडर से ही यूज करती हूँ। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। करने के बाद एक बार हम फिर लूज पाउडर से मेकअप को सेट करेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स ये मेकअप आपका विद इन 24 गर्मी में भी मैं गारंटी लेती हूँ कि इसमें आपका स्वेटिंग नहीं होने वाला है। लाइक हमारा बेस कंप्लीट हो गया। अगर आपको अपनी लिप्स नहीं खराब करना तो लिप बाम आप पहले लगा लें। इससे आपका जो लिप है वहाँ रानी कलर से आउटलाइन करूंगी। हमेशा एक कलर की लिपस्टिक लगा लगा के थक चुकी थी तो आज मैंने सोचा कुछ दूसरा शेड्स लगाती हूँ, तो लाइक दो में मैं ये यूज करूंगी। कुछ डिफरेंट सेट लगाने का आज मेरा मन कर रहा था। फिर एक बार मेकअप हम अपना अच्छे से इस तरह से टैप टैप करके सेट करेंगे। नहीं इस पे भी अच्छे से अप्लाई करेंगे। एंड जो लास्ट बचा हुआ है वो मैं फिर से यूज़ करूँगी लाइक ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस तरह से अपनी आईज़ पे आपको ऐसे रखना है। फिर से एक बार मैं बताती हूँ और इसको सूखने देती हूँ। पास से बेस दिखाती हूँ, ओके आती हूँ। देख लो मैंने ये दो लिपस्टिक का शेड मिला के ये शेड बनाया हुआ है।
एंड मेरे पास जो मेकअप रहता है पर्टिकुलर एक ब्रांड का नहीं रहता, मैं कई सारे ब्रांड का जो होता है वो मैं रखती हूँ, क्योंकि मुझे एक ब्रांड में कुछ समझ में नहीं आता है। मैं जैसे मेकअप करती हूँ हमेशा से, लोग अभी बेस बनाते हैं, बेस बना के अप्लाई करते हैं, बट फ्रेंड्स मैं लाइव करती हूँ, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं करती हूँ, कोई भी वीडियो में मेरी स्क्रिप्टिंग नहीं होती है। और आप देखते हो कि मेरे जो वीडियोज़ में होता है मैं बेस बनाती हूँ किस तरह से, मैंने कोई भी ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं किया, बट आप मेरा बेस देख सकते हो और कैमरे में कोई भी फिल्टर नहीं है, मैं नॉर्मल कैमरे से वीडियो बना रही हूँ और आप देख सकते हो कि कितना अच्छा बेस आया है। और ये बेस विद इन 24 आवर्स चलेगा और मेकअप छूटने वाला नहीं है, एंड मैं वाटर प्रूफ करके भी आपको इसको दिखाऊंगा। सारे जो भी प्रोडक्ट रहेंगे उनको मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, बट आप जब फुल वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। मेकअप में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट HD मेकअप होगा, अल्ट्रा मेकअप होगा और मेकअप छूटने वाला नहीं, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में रह चुकी हूँ, तो मैं विद इन 24 आवर्स गारंटी लेती हूँ कि मेकअप नहीं छूटने वाला है, क्योंकि ये मेरा ट्रिक, मेरा टेक्निक है ना, मैं किसी का देख कर करती हूँ, वो मेरा खुद का ट्रिक है जो मुझे खुद से आता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बचपन से इंटरेस्ट था मेकअप में, तो इसलिए। बट मैं अपना मेकअप खुद का नहीं कर पाती थी ज़्यादा अच्छे से, मैं हमेशा दूसरों का मेकअप करती थी, बट कुछ दिन में ऐसा हुआ कि मैं मेकअप बहुत ज़्यादा करने लगी और मुझे अच्छा लगने लगा मेकअप से, बहुत प्यार। एंड अगर इस वीडियो के रिकॉर्डिंग आपकी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, एंड मुझे इंस्टा DM भी कर सकते हो मेरे ब्यूटी नेचुरल 793 पे या फिर फूड मूड इंडिया पे, मैं रिप्लाई करूंगी। कोई भी क्वेरी हो, किसी वीडियो पे आपको किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो मैं उस पर भी वीडियो क्रिएट कर दूंगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मुझे प्यार देते रहिएगा एंड मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर विजिट।